क्या कभी आप ये सोच सकते हैं कि इस सौर मंडल विभिन्न ग्रहों, तारों और सूर्य समेत ब्रह्मांड में हर चीज का जन्म एक डॉट से हुआ है? शायद नहीं, लेकिन यही सच है। हमारे पृथ्वी समेत विभिन्न ग्रहों का जन्म और वहां जीवन की शुरुआत किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं लगती है, लेकिन ये कहानी सच्ची है और इससे आप और हम जुड़े हुए हैं। आज हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर धरती के जन्म और यहाँ पनपने वाले जीवन से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों का जन्म। वैसे तो ये ब्रह्मांड हमेशा से वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है, क्योंकि इसका विशाल आकार और उसमें विभिन्न चीजें किसी काल्पनिक कहानी का किरदार जैसे महसूस होती हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक डॉट से हुई थी, जिसके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वो विभिन्न ग्रहों, सूर्य और सौर मंडल और तारों को जन्म दे सकता था। कहा जाता है कि ये डॉट लाखों साल तक अपने अंदर ऊर्जा को समाहित किए हुए था, जिसकी वजह से एक दिन अचानक से उसमें भयानक विस्फोट हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर विस्फोट तबाही ही लेकर आए, क्योंकि उस डॉट में हुए विस्फोट की वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें हमारी पृथ्वी और सौर मंडल शामिल हैं। वैज्ञानिक ने इस विस्फोट को बिग बैंग नाम दिया है, जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी कई तरह की गैसें भी बाहर निकली थी। इस विस्फोट के बाद ही समय और प्रकाश अस्तित्व में आया था, जबकि हाइड्रोजन की वजह से ग्रेविटी फोर्स बनाकर तैयार हुआ था। इस तरह धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव बढ़ता चला गया, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के आपस में मिलने की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस समय को डार्क टाइम के नाम से जानते हैं। भले ही ब्रह्मांड का जन्म एक विस्फोट से हुआ था, लेकिन उस वक्त स्पेस में आग या रोशनी पैदा करने वाला कोई ग्रह या तारा नहीं था, जिसकी वजह से ब्रह्मांड के फैलाव के दौरान पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था। हालांकि सूर्य के अस्तित्व में आने के बाद ब्रह्मांड में अंधेरा खत्म होने लगा था, जबकि बिग बैंग के 4 लाख साल बाद विस्फोट से निकलने वाली धूल, मिट्टी और चट्टानों से क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु बनकर तैयार हो गए थे। इसी क्रम में पृथ्वी समेत सौर मंडल के 4 चट्टानी ग्रहों का भी जन्म होता है, जिसमें धूल, मिट्टी और चट्टाने लाखों साल तक इकट्ठा होती रही थी। इसके बाद सूर्य की ग्रेविटी ने उन चट्टानों को एक ग्रह का आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये ग्रह सूर्य की ग्रेविटी से ही बंध गए थे। इस तरह मिल्की वे गैलेक्सी समेत विभिन्न प्रकार की गैलेक्सी और तारा मंडल बनकर तैयार हुए थे, जबकि लाखों तारे, ग्रह और खगोलीय पिंड अस्तित्व में आए थे। ऐसा नहीं है कि ये निर्माण कार्य कुछ महीनों या सालों तक चला था, बल्कि ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया पूरे 8 बिलियन साल तक निरंतर चलती रही थी। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के दौरान ब्रह्मांड ने कितनी बार अपना स्वरूप बदला होगा, और तब जाकर आज ये अंतरिक्ष हमें इस रूप में दिखाई देता है, जबकि यहाँ मौजूद हर ग्रह और तारामंडल एक दूसरे से काफी अलग है। इस ब्रह्मांड में कुछ ग्रह बहुत ज्यादा गर्म हैं, तो किसी ग्रह में शरीर को जमा देने वाली ठंड होती है। इतना ही नहीं, किसी ग्रह में उसके तारे की सारी रोशनी और गर्मी पड़ती है, तो कोई ग्रह साल भर अंधकार में डूबा रहता है। खैर, इन सबके बीच हमारी धरती भी अस्तित्व में आ चुकी थी, जबकि वो सूर्य की ग्रेविटी से बंधी होने की वजह से उसका गोल गोल चक्कर लगा रही थी। इस तरह धरती को उसका अंडाकार आकार मिलने में मदद मिली थी, लेकिन उस वक्त धरती या किसी भी ग्रह में जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। आज पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि पृथ्वी के अपने धुरी यानी एक्सिस पर घूमने की रफ्तार का इंसान को पता तक नहीं चलता है। लेकिन आज से 9 बिलियन साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था, तो वो अपनी धुरी पर काफी तेजी के साथ घूमती थी, जिसकी वजह से उस वक्त पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। इतना ही नहीं, उस समय धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा था,
क्योंकि विभिन्न चट्टानों और धूल मिट्टी के आसपास में मिलने की वजह से तेज गर्मी पैदा हो गई थी। इसके अलावा उस वक्त पृथ्वी पर लगातार उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर आग धधक रही थी और यहाँ का तापमान किसी को भी जलाकर खा कर सकता था। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बीतते वक्त के साथ पृथ्वी पर कई तरह के बदलाव आए और इसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी अपने तारे यानी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनपने योग्य सभी तत्वों की उत्पत्ति हो सकती थी। आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर उल्का पिंडों, चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों की बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और गर्म लावा इधर उधर फैला रहता था। इसी दौरान थिया नाम का एक अनजान ग्रह तेजी से पृथ्वी की तरफ आया और उससे टकरा गया, जिसकी वजह से पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया था। इस भयानक टक्कर की वजह से थिया नाम के ग्रह का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट गया था, जबकि इसकी वजह से पृथ्वी के आकार प्रकार में काफी बदलाव आ गया था। पृथ्वी का जो हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया था, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा और बीतते वक्त के साथ एक गोल पिंड का आकार ले लिया। इस पिंड को आज चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान पृथ्वी का टूटा हुआ हिस्सा भी रिपेयर हो गया, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने अंडाकार आकार में वापस आ गई थी। शुरुआती दौर में चंद्रमा की ग्रेविटी काफी ज्यादा तेज हुआ करती थी, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री के एंगल में झुक गई थी। ये झुकाव पृथ्वी के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हुई थी, बल्कि इससे पृथ्वी को दिन और रात भी मिल गए थे। इस तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी में एक दिन 22 घंटे का हो गया था, जबकि इस दौरान पृथ्वी का तापमान भी लगातार ठंडा हो रहा था। दरअसल एक समय बाद पृथ्वी पर उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बरसात रुक गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का गर्म तापमान ठंडा होने लगा था और यही चीज जीवन की शुरुआत के लिए सबसे अहम थी। उन उल्का पिंडों के साथ पानी बर्फ के रूप में धरती पर आया था, जो उल्का पिंडों की बरसात रुकने के बाद पिघलने लगा था और इस तरह पृथ्वी पर पानी तरल रूप में अस्तित्व में आया था। हमारी पृथ्वी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान पानी को तरल रहने में काफी मददगार साबित होता है। जब पृथ्वी का तापमान ठंडा हुआ तो सूर्य की गर्मी की वजह से उल्का पिंडों के साथ आई बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हो गया। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसों ने पृथ्वी का वायुमंडल बनाया था। हालांकि ये वायुमंडल जीवन पनपने योग्य नहीं था, लेकिन इस वायुमंडल की वजह से सूर्य की हानिकारक रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाती थी। इस तरह पृथ्वी पर चारों तरफ महासागर ही महासागर थे, लेकिन इसी दौरान पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद गर्मी और गैस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और इसकी वजह से समुद्र के अंदर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। इस विस्फोट से भारी मात्रा में गैस, राख और गर्म लावा बाहर निकला था, जो बीतते समय के साथ सूख गया था और इस तरह पृथ्वी पर जमीन यानी भूभाग का निर्माण हुआ था। आज से लगभग 3.3 बिलियन साल पहले समुद्र के पानी में पहली बार बैक्टीरिया रूपी जीव का जन्म हुआ था, जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते थे। इसके बाद यही एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव दो कोशिकीय और फिर बहु कोशिकीय जीवों में परिवर्तित हो गए थे, जो पानी में रहते हुए सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में तब्दील करते थे। इतना ही नहीं, इन सूक्ष्म जीवों ने पानी के अंदर ऑक्सीजन को निर्मित करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वायुमंडलीय गैसों के साथ मिक्स हो गई थी और इसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल जीवन योग्य हो गया था।
समुद्र में जीवन की शुरुआत हो गई थी, जबकि इन जीवों की वजह से समुद्र के अंदर एल्गी और समुद्री घास पैदा हुई थी और ये समुद्री घास बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निर्मित करती थी। धरती में ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी ने जीवन की उत्पत्ति करने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि बीतते वक्त के साथ समुद्र के पानी में कई तरह के जीव जंतु विकसित होने लगे थे। आज से लगभग 375 मिलियन साल पहले छोटे आकार की मछलियों का जन्म हुआ जो उथले पानी में रहती थी, लेकिन उथले पानी में ऑक्सीजन की कमी होती थी जिसकी वजह से उन मछलियों ने पहली बार पानी की सतह पर आकर हवा से ऑक्सीजन लेने की शुरुआत की थी। इन मछलियों के उथले पानी में रहने के दो फायदे थे। पहला ये कि बड़े आकार के शिकारी जीव उस पानी में प्रवेश नहीं करते थे और दूसरा मछलियों को हवा से ऑक्सीजन लेने में आसानी होती थी। हवा से ऑक्सीजन लेने की वजह से मछलियों के शरीर में फेफड़े जैसा एक नया अंग विकसित होने लगा था, जिसके बाद वो मछली बीतते समय के साथ जमीन पर आई थी। उस समय जमीन पर सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, जबकि यहाँ खाने के लिए विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे भी थे, लेकिन जमीन पर पानी के मुकाबले ज्यादा गर्मी थी, जबकि सूर्य की रोशनी सीधा जीवों के ऊपर पड़ती थी। क्रमिक विकास के चलते मछली के शरीर की चमड़ी धीरे धीरे मोटी होने लगी थी, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले जीवों को सूर्य से हानिकारक रेडिएशन से बचने में मदद मिलती थी। इस तरह धरती पर कई मिलियन साल तक जीवों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा था, जिसकी वजह से धरती में पैरों पर चलने वाले जीव अस्तित्व में आए थे। धरती पर विभिन्न प्रजाति के जीव अस्तित्व में आए, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी जीव थे। इन्हीं जीवों में से एक थे डायनासोर, जिसकी अलग अलग प्रजातियों ने धरती पर कई सालों तक राज किया था। लेकिन डायनासोर के अस्तित्व में आने की वजह से छोटे आकार के जीवों पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए ढेर सारे मांस की जरूरत होती थी। वहीं शाकाहारी डायनासोर्स भी एक दिन में कई किलोग्राम हरी भरी पत्तियां और फल खाया करते थे, जबकि छोटे आकार के जीव मांसाहारी डायनासोर्स से खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर छिप कर रहते थे। लेकिन आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले अचानक से डायनासोर की प्रजाति का धरती से अंत हो गया। दरअसल उस समय एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया था, जिससे निकलने वाली रेडिएशन और हीट ने डायनासोर्स को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन इस महाप्रलय में सिर्फ डायनासोर्स का ही अंत नहीं हुआ था, बल्कि पृथ्वी पर 90% जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस विस्फोट की वजह से तेज भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जिससे निकली राख और धुएं ने धरती के आसमान में घने बादलों का निर्माण किया था। कई महीनों तक पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि जंगल और जमीन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। हालांकि इस महाप्रलय से भी कुछ जीव सुरक्षित बचने में कामयाब हो गए थे, जिनका आकार चूहे के बराबर था और वो जमीन के अंदर छिपकर रहते थे। विस्फोट के दौरान वो सभी छोटे जीव धरती के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वो रेडिएशन और गर्मी की चपेट में आने से बच गए थे। वहीं खुद को जिंदा रखने के लिए उन जीवों ने मृत जानवरों के सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय उनके पास खाने के ऑप्शंस नहीं थे। इस महाप्रलय का असर पृथ्वी पर कई साल तक रहा था, लेकिन अंत में राख और धुएं के बादल हट गए, जबकि सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगी थी। इस तरह पृथ्वी पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत हुई थी। सूर्य की रोशनी की वजह से पेड़ पौधे विकसित होने लगे और ज्वालामुखी से निकले लावा में पोषक तत्वों ने मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बना दिया था। जैसे जैसे धरती फल फूल रही थी, वैसे वैसे धरती पर भोजन के ऑप्शन भी बढ़ने लगे थे। इस तरह एक छोटे जीव से विभिन्न स्तनधारी जीवों की प्रजातियों का जन्म हुआ था, जो अंडों के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देते थे और उन्हें भोजन के रूप में दूध पिलाते थे। इस दौरान पेड़ों पर उगने वाले फूल और फलों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही थी, जिनको खाने से जमीन पर चलने वाले जानवरों का क्रमिक विकास हुआ और उनका शरीर बंदर की तरह विकसित होने लगा था। इस जीव के पास मजबूत पंजे और तेज दिमाग था, जो आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता था
और अपने हाथों से फल तोड़कर उनको खा सकता था। लेकिन पृथ्वी पर एक बार फिर जलवायु परिवर्तन होने लगा था, जिसकी वजह से जंगल तेजी से सूखने लगे, जबकि पेड़ों पर रहने वाले बंदर और चिंपैंजीज जैसे जानवरों के लिए भोजन की कमी होने लगी थी। वहीं पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में आपसी टकराव की वजह से अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो गई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका के जंगली इलाकों में बारिश नहीं होती थी और वहाँ तेजी से सूखा पड़ने लगा था। पेड़ों पर रहने वाले बंदर और चिंपैंजी जमीन पर उतर आए और खाने की तलाश में मैदानी इलाकों की यात्रा करने लगे। इस दौरान उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया और वो खाने के रूप में फलों के अलावा मांस को खाने लगे थे। यही जीव हम इंसानों के पूर्वज थे, जिन्होंने बीते समय के साथ हथियार बनाना, आग का आविष्कार करना और शिकार करना सीख लिया था, जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होने लगा था। शुरुआती दौर में हमारे पूर्वज जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जब उन्होंने आग की खोज की तो मांस को पकाकर खाना आसान हो गया। इसकी वजह से उन्हें खाना चबाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जबकि आग से उन्हें गर्मी भी मिलती थी और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने में मदद भी मिलती थी। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने ढेर सारी ऊर्जा की बचत की थी, जो उनके दिमागी विकास में मदद करती थी। इसकी वजह से हमारे पूर्वज दिन ब दिन बुद्धिमान होते चले गए और उन्होंने समूह में रहना शुरू कर दिया था, जबकि वो आपस में बातचीत करने के लिए खास तरह के शब्दों और आवाजों का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भोजन के रूप में मांस के अलावा अनाज खाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो मैदानी इलाकों में खेती किया करते थे। इस तरह इंसान के पूर्वजों का साइज बड़ा होता चला गया और उन्होंने बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया था, जबकि बदलते मौसम से बचने के लिए उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। इस तरह धीरे धीरे इंसानी जीवन की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से बदलते समय के साथ इंसान के रहन सहन और उसके बात करने के अंदाज में बदलाव आता चला गया। धरती पर इसी क्रमिक विकास के चलते आज धरती पर आपका और हमारा अस्तित्व बरकरार है, जबकि यहाँ जीव जंतुओं की कई प्रजातियाँ भी रहती हैं। हालांकि इस बदलाव के बीच धरती से कई प्राचीन जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थीं, जबकि भविष्य में हम इंसानों के शरीर में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी समेत पूरे ब्रह्मांड में बदलाव होता रहता है, जिसकी वजह से नई नई चीजें अस्तित्व में आती हैं और यही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से अरबों साल पहले ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना कैसे हुई थी और किस तरह हम इंसान धरती पर आए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।